ये सन्नाटा है पूरा। ये द्वारका माई की मस्जिद है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ से ऊर्जा ग्रहण की, इसके बाद अब चलते चल रहे हैं। अब हम लोग द्वारका माई से प्रस्थान करके साईं बाबा की आरती के लिए निकल रहे हैं और आरती करेंगे। काकड़ आरती होगी। ये चावड़ी है, इसमें भी आएंगे दिन में भोर में। अभी 1 बजा हुआ है रात का और ये द्वारका माई की मस्जिद है। यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए कितना सन्नाटा है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं और कोई नहीं। घोर सन्नाटा है और घोर ऊर्जा का औरा बना हुआ है। आइए और इधर ही से हम लोग निकल जाएंगे अब काकड़ आरती के लिए। 7 नंबर गेट पर लाइन में लगेंगे। ये कैंपस है, मंदिर के पीछे का कैंपस है, पूरा पूरा शांत है। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे शाम को खुलता है, सुबह खुलता है। और इस तरह से पूरा देखिए शांत कैंपस है। मंदिर इसके अंदर है, इसके अंदर मंदिर है। वहां पे कैमरा अलाउड नहीं है, ये बाहर का कैंपस है। और हम लोग यहीं से धीरे धीरे चल रहे हैं 7 नंबर गेट की तरफ। देखो मैं तो 94 से आ रहा हूँ, तब ये सब कुछ यहाँ पे बना भी नहीं था। और तब भी तरीके ये होते थे कि वो कहते थे 300 रुपए दीजिए, VIP लाइन में लगवा देते हैं। अंदर से लाइन होती थी, छोटी सी मंदिर का कैंपस छोटा सा होता था। और आज भी VIP लाइन के पासेस ऑनलाइन मिलते हैं। लेकिन मजा इस बात का है कि ये देखिए 6-7-8 लोग जो बैठे हैं खामखा नहीं बैठे हुए हैं। ये लाइन की शुरुआत है और ये गेट नंबर 7 है सामान्य लोगों के लिए। सामान्य लोगों के लिए गेट नंबर 7 है। ये देखिए गेट नंबर 7, मोफत दर्शन प्रवेश लिखा, फ्री दर्शन एंट्री। ये 2 बजे गेट खुलेगा रात में और 1 बजे हम लोग आ गए हैं। और गिनती के 6-7 लोग हैं, 8 लोग, और मेरा नंबर जो है 7 और मेरी पत्नी का नंबर 8। ये 8 लोग बैठे हुए हैं। 2 जब बजेगा तो कम से कम आप देख रहे हैं ये जितना सन्नाटा दिख रहा है आपको, ये सन्नाटा जो पसरा ये दिखेगा नहीं। यहाँ काफी शोर होगा और काफी लोग होंगे। अब इस तपस्या का फायदा क्या है, काकड़ आरती में टॉप 100 या 50 लोग कहो जाते हैं अंदर, और उसके लिए आपको लाइन लगानी है। तो जिसने जितनी तपस्या की उसको उतना बढ़िया फल मिलेगा। इसलिए मैं भी सामान्य तरीके से सामान्य लोगों की तरह लाइन लगाकर बैठ गया हूँ। और साथ में देखो डॉगी भैया भी बैठ गए। 7 नंबर गेट है बाबा इंटरनेशनल होटल के सामने। हाँ, बाबा इंटरनेशनल होटल है। सारी चीजें हैं, अब शिरडी शिरडी हो गई है। इन 30 सालों में शिरडी बहुत बदल गई है। 94 में आए थे कुछ था ही नहीं, अब तो प्रसादालय हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं इसमें। और नो डाउट आश्रम बड़े सस्ते हैं, थोड़ा सा मंदिर से दूर हैं। 250 रुपये का कमरा मिल जाता है, 2 रुपये की चाय मिल जाती है। लेकिन हम जरा मंदिर के पास ही रुके हुए थे क्योंकि हमको बराबर बाबा के पास आना। अभी द्वारका माई की मस्जिद में बैठे ही हुए थे, वहाँ से सीधे यहाँ आ गए। काकड़ आरती करेंगे फिर मस्जिद जाएंगे, कुछ खाएं पिएंगे,
फिर दोपहर की आरती का इंतजार होगा। दो दिन आए हैं तो यही सब कुछ होगा यहाँ पर, बाबा बाबा एंड बाबा और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ भूले हुए हैं। चलिए फिर मिलता हूँ, अभी तक के लिए नमस्कार।